हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में इस वीडियो में हम जे के एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें लगभग फिफ्टी क्वेश्चन रहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लेना उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा तो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको आगे डिस्कस करूँगा इनके आंसर में कोई भी गलतियाँ रहती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो मैं वहाँ से उनको ठीक कर लूँगा तो अब बढ़ते हैं वीडियो में तो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता तो वो कौन होता है तो जो भारत का महाधिवक्ता होता है यानी कि अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से आ, सबसे कम वसा प्राप्त होती है तो ये जितने चार ऑप्शन हैं इसमें सबसे कम वसा दही में प्राप्त होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड राष्ट्रीय पोषण संस्थान पर किस जगह पर स्थित है तो ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है यह हैदराबाद में स्थित है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है चौथा तो बीस अगस्त को मनाया जाता है तो ट्वेंटी अगस्त को Uh, सद्भावना दिवस uh, मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो गया ए और पांचवा क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वांछित न्यूनतम आयु तो जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आपकी ट्वेंटी फाइव ईयर आपकी एज होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर ए हो गया और छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है तो जो अंतर्राष्ट्रीय सम संगठन है यानी कि आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो यू एन ओ का मुख्यांगन नहीं होता और सातवां क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद तीन सौ चालीस के अंतर्गत किया गया था तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया अब आठवां क्वेश्चन है गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो जो गीता फोगाट है वो कुश्ती से संबंधित है तो इसका राइट right आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अब नवा क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दसवा उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल के विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रदूत कौन थे तो जो राजा राम मोहन राय थे ये अग्रदूत थे उन्नीसवीं शताब्दी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Uh, किस राज्य के पास सबसे बड़ा लोहा अयस्क का भंडार है तो जो ओडिशा राज्य है यहाँ पर लोहे के भंडारण ज्यादा पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा म्यूनिसपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी फोर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरवा दिसंबर दो हज़ार सोलह तक युद्ध में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कितनी बार किया गया तो दो बार परमाणु का उपयोग किया गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया तो चौदह क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से क्या सफेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड कहलाता है कौन कहलाता है तो प्लेटिनम ये वाइट गोल्ड कहलाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है अब सोलह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती तो जो मणिपुर है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती अब सत्तरवा क्वेश्चन है विश्व का आकार में सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है तो जो ग्रीनलैंड है ये सर्वाधिक बड़ा द्वीप है अब अठारह क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास नवीन राज्य की स्थापना शक्ति है तो जो संसद है इसको पावर होती है नवीन राज्य ये बनाए और उन्नीस क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी तो टोडरमल के हाथ में थी और ट्वेंटी क्वेश्चन है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार तो इसका राइट आंसर है केसरी ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है मैं आपके कमेंट का आंसर देखूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वजन परत के ह्रास का कारण है तो जो क्लोरो क्लोरोकार्बन कार्बन है वो इसका ह्रास का कारण होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मच्छर काटने से नहीं फैलता तो जो टीवी है ये मच्छर के कारण से नहीं फैलता अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे तो ये जहांगीर के समकालीन थे और दोस्तों पी डीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल डालूंगा तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ट्वेंटी फाइव संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति का अध्यक्ष कौन था तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये थे इसके अध्यक्ष आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारत का कौन सा राज्य सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक करता है तो राजस्थान इसका राइट आंसर है और ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भारत सरकार के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ट्वेंटी एट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का सीईओ है तो अमिताभ कांत जो है देश के सीईओ है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन केंद्रीय सूचना आयुक्त तो का कार्यकाल होता है तो इनका कार्यकाल पाँच वर्ष से सिक्सटी फाइव वर्ष तक होता है तब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसवा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया तो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इसको शामिल किया गया था और थर्टी वन क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया तो जो केरल है इसको डिजिटल राज्य घोषित किया गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यह कौन से ज़िले में स्थित है ये तो सभी को पता होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का है जैसे साठ लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पाँच अनुपात तीन है इस अनुपात को एक अनुपात दो बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा तो जो इस तरह के क्वेश्चन है, इसके लिए हम अलग से एक सेशन बना देंगे तो आप वो वीडियो देख लेना तो उस वीडियो में हम इस तरह के सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव इसका राइट आंसर होगा अब इसको ट्राई करना हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से है तो ये क्वेश्चन है यदि इसको इस तरह कोड किया जाता है और इसको इस तरह कोड किया जाता है तो इसको किस तरह कोड किया जाएगा तो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो ये चैप्टर है तो इस वाले चैप्टर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको ट्रिक से सिखा देंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फिलहाल मैं इसका राइट right आंसर बता देता हूँ आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है इसको भी आप ट्राई करना इसका स्क्रीन आप ले सकते हो और इसका पी भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको लिंक इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप थर्टी सिक्स क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है तो इसका राइट right आंसर है देहरादून में यह स्थित है अब थर्टी सेवन क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय है तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ज़िला जहाँ प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर स्थित है तो नैनीताल जिले में धाम मंदिर स्थित है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता है तो विटामिन सी दूध में नहीं मिलता नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तीन सौ सत्तर अनुच्छेद इस राज्य से संबंधित है तो जो तीन सौ सत्तर अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये करंट का क्वेश्चन था जब जम्मू कश्मीर में तीन सौ सत्तर ये हटाया गया था तो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन एक आध बनते हैं आपके जी एंड रीजनिंग में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथक है तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन अलग है तो वो आपको चूज करना होता है तो इसका जो राइट right आंसर है बासु जी इसमें सबसे अलग है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन करना है तो जो ये दे रखें इनके आगे जो इनके जो आंसर दे रखें इनमें आपको देखना है कि इनमें से कौन गलत है जैसे भूटान की राजधानी थिम्फू है श्रीलंका की कोलंबो है अफगानिस्तान की काबुल है और बांग्लादेश की इसमें देश है इस्लामाबाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाँ। फोर्टी थ्री क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य किस वर्ष से बनाया गया था तो ये जो तेलंगाना राज्य की स्थापना दो हज़ार चौदह में हुई थी और फोर्टी फोर क्वेश्चन है किस देश को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है तो जो जापान राज्य है इसको उगते हुए सूरज के रूप में माना जाता है ये जो क्वेश्चन है दो बार लगातार पूछा गया है तो इस साल भी शायद ही पूछा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के विधि सलाहकार कहलाते हैं तो जो विधि सलाहकार एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता को कहा जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था तो जो किंग जॉर्ज फाइव थे उनके समान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने है वेदों की ओर यह किसने कहा था तो जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने ये कहा था अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने है फोर्टी एट झूठ का पता लगाने वाला यंत्र तो जो पोलीग्राफ होता है यह झूठ पता लगाने वाला यंत्र होता है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने है काली क्रांति संबंधित है तो जो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत नाइनटीन सेवेंटी थ्री में हुई थी तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो में हमने लगभग फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आगे के नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और दोस्तों इन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनमें यदि कोई भी आंसर गलत होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो हम आपका जो क्वेश्चन है उसको ये दोबारा चेक कर लेंगे और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी अपडेट ऐसे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय